जोहार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्राइबल बिनको पे। दोस्तों, आज हम सभी युवा इंटरनेट के माध्यम से किसी न किसी सोशल मीडिया में जुड़े हुए हैं, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, चाहे यूट्यूब हो, ट्विटर हो, बहुत सारे सोशल मीडिया हैं, हम उनसे कनेक्टेड हैं। दिन का लगभग हम लोग 3 से 4 घंटे समय इन सोशल मीडिया में ही बिताते हैं आज के डेट में, जब लॉकडाउन लगी हुई है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि फेसबुक में एक धुमकुड़िया पेज है जहाँ पे बहुत से सामाजिक मुद्दे पे बहुत से वहाँ चर्चाएं होती है, लेकिन मैंने देखा है, मैंने जब जब भी उसे ज्वाइन किया है, मैं कोशिश करता हूँ कि कंटिन्यू ज्वाइन करूँ, तो मैंने जब भी ज्वाइन किया है तो देखा है कि वहाँ पे सिर्फ 100 से भी कम लोग वहाँ पे जुड़े होते हैं। तो इतना बड़ा हमारा समाज है, तो हमारा एक जिम्मेदारी बनता है कि हम एक दूसरे से कनेक्ट हों, इन सभी जो प्रोग्राम होती है उससे कनेक्ट हों, विशेषकर युवा समाज से मेरा ये उम्मीद है। तो धूमकुड़िया में कल के डेट में ही जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मामला था रूपा तिर्की के मामले में, निष्कर्ष वहाँ पे चर्चाएं हो रही थी कि कैसे रूपा तिर्की के मामले को कैसे सीबीआई जांच के लिए वहाँ तक पहुँचाया जाए। तो आप सभी को पता ही होगा, सभी लोगों को, समाज के सभी लोगों को यहाँ पे रूपा तिर्की के मामले में दो जो यहाँ पे बातें मुद्दा बनी है, क्या आत्महत्या है या हत्या है, तो समाज के लोगों को जहाँ तक लगता है कि ये हत्या है, इसमें बहुत से कारण की चर्चाएं यहाँ पे की गई, बहुत से बातें रखी गई, क्या है वो क्लिप आप देख सकते हैं। की राजधानी में रूपा के लिए हम इस आंदोलन को और मजबूत करेंगे और ये भरोसा विश्वास नहीं है। बकायदा आदिवासी और झारखंडियों का जो इतिहास है उसको पुनः दोहराने के लिए हम फिर से उठ खड़े होंगे और मजबूती से रूपा के लिए लड़ेंगे और रांची पर कुछ सब करेंगे और हमारी जो तैयारी है, हमारी जो बातचीत है वो बहुत बड़ी आबादी में लोग सड़क पर आएंगे। और एक सवाल आप लोगों से लेना चाहूँ, हमले पे कंफ्यूजन है, कुछ जवाब आप सबको चाहिए तो आप बेझिझक हमारे इनबॉक्स पर सवाल पूछें, आपकी जो कंफ्यूजन है, आपकी जो सवाल है उसका जरूर जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। और कृष्णा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मैं चाहूंगा कि एक साथी हैं जो अमर मरांडी जी हैं, अमर मरांडी जी हैं, उनका कंफ्यूजन है, उनका सवाल है और आप स्क्रीन के समक्ष रखना चाहूंगा और पूछना चाहूंगा कृष्णा थका जी से कि प्रश्न किस किस प्रकार से राज्य सरकार रूपा तिर्की की बहन को इंसाफ दिलाने में विफल रही है, आप स्टेटमेंट ने उनको दे दी। पहला पहला तो गलती वही हो गया कि जब वो घुसे तो वीडियो नहीं बनाया गया। दूसरा गलती ये हो गया कि घुसने के बाद रूपा शरीर पर तौलिया पहनाने के बाद वीडियो बनाया गया। तीसरा हो गया कि वीडियो बनाने के शुरुआत में लाइट थी और जैसे फट होता है लाइट चल जाती है, टॉर्च पर वीडियो बनाया जाता है। उसके बाद बॉडी को किसने उतारा इसका भी कोई जिक्र नहीं वीडियो में। उसके बाद रूपा के बेड पर जितने जितने सामान बिखरे हुए थे सबको एक कपड़े में पैक कर दिया गया, परिवार को बोला ले जाओ। रूपा की बॉडी, डेड बॉडी को रूपा के बेड में जो बेडशीट था जिसमें बहुत सबूत हो सकते थे उसी से क्या बोलते हैं मोड़ दिया गया और बोला वो उसको पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। तीसरा, रूपा के परिवार की गैर मौजूदगी में वहां लोग पहुंचे भी नहीं थे, कोई सिग्नेचर नहीं और पोस्टमार्टम कर दिया गया। पांचवा, कि पोस्टमार्टम के समय किसी महिला पदाधिकारी, किसी महिला डॉक्टर को नहीं रखा गया। छठा, ये कि जिस तरीके की सुप्रीम कोर्ट का आदेश है किस तरीके संदेहास्पद मौत में युवाओं की इस तरीके की अप्राकृतिक मौत में किसी भी हाल में सदर अस्पताल इसके लिए एलिजिबल नहीं है पोस्टमार्टम का, सदर अस्पताल के डॉक्टरों का राइट नहीं है, बकायदे इसके लिए एक्सपर्ट डॉक्टर होंगे जो सिर्फ मेडिकल कॉलेज में होंगे। तो क्या इतनी हड़बड़ी थी कि रूपा का पोस्टमार्टम सदर में कर दिया गया, बेसरा प्रिजर्व नहीं किया गया, महिला डॉक्टर नहीं रखे गए और कई सारी चीजें हैं। उसके बाद एक भी पदाधिकारी रूपा के बॉडी के साथ रांची नहीं आया, बकायदा दो कांस्टेबल महिलाएं थी वो आई थी और वो रखकर बॉडी चली गई। रूपा के दफन जब हो रहे थे तब भी कोई नहीं था। तीसरा, ये एक बड़ा सवाल हम बार बार पूछते हैं पुलिस से, पुलिस जवाब नहीं देती है कि 3 से 4 बजे के आसपास जो हमारी जांच है उसमें ये पता चलता है कि 3 से 4 बजे के आसपास उसी दिन एक महिला रूपा के कमरे में गई थी, उस महिला को क्यों नहीं सामने लाया गया और उस महिला ने क्या बताया पुलिस को या उस महिला के पास क्या जानकारी थी। रूपा के बुआ ने लिखित दिया है कि रूपा ने 8 बजे फोन करके कहा कि हम जो पानी पिए हैं वो दवा जैसा लगा, तो आखिर उस पर क्यों बातचीत कोई नहीं हुई। तो ऐसे
कई सवाल हैं और उसके बाद रूपा का ऑडियो, कनौजिया और उसके पिता का, रूपा के पिता का बातचीत का ऑडियो हम जानते हैं कनौजिया ने वायरल किया। उसके बाद रूपा और उसके कनौजिया का ऑडियो पुलिस ने वायरल किया। क्यों वायरल किया? जबकि वो अनुसंधान के वक्त काम आता है। रूपा की बहन से जो चैट हुआ है वो पुलिस के पास है, उसको क्यों वायरल किया गया, ये भी अनुसंधान के काम आता है। जब रूपा और रूपा के तथाकथित बॉयफ्रेंड का जो चैट है वो भी अनुसंधान में काम आता है, तो उसको क्यों वायरल किया गया। उसके बाद इतनी हड़बड़ी जांच को लेकर क्यों है, इतनी हड़बड़ी क्यों है कि कुछ भी जवाब दें। रूपा के परिवार के लोगों ने अभी तक बयान दर्ज नहीं कराया, आपने चार्जशीट फाइल कर दिया, तो क्यों ये हड़बड़ी है। तभी ये सवाल सामने आता है कि परिवार के लोगों को, रूपा के परिवार के लोगों को, रूपा को, हमको, आदिवासी समाज को, झारखंड को इंसाफ नहीं दिलाने की मंशा हेमंत सोरेन की है, इसीलिए इस तरीके की गलतियां जानबूझकर की जा रही। तो इन सभी बातों को सुनकर हमें इतना विश्वास हो जाता है कि रूपा तिर्की का जो मामला है उसमें हत्या का ही चांसेस ज़्यादा है। तो ऐसे में सरकार इसे क्यों छुपाना चाहती है तो ये तो पता नहीं, लेकिन हमें और आपको इसकी सीबीआई जांच के लिए सीबीआई जांच के लिए प्रयास जरूर करनी चाहिए। तो इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।